नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। देश की राजधानी को मिला नए साल का तोहफा, बिना ड्राइवर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को मोदी ने दिखाई हरी झंडी। फिरोज शाह कोटला में अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण, गृह मंत्री अमित शाह ने अनावरण के बाद किया संबोधित, कहा अरुण जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर एआईसीसी में फहराया गया तिरंगा, कांग्रेस के बलिदान को किया गया याद, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला और कहा बीजेपी सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। कांग्रेस का स्थापना दिवस आज, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में फहराया ध्वज, बीजेपी पर जमकर किए प्रहार। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का 33वां दिन, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी, किसानों के बैठक प्रस्ताव पर आज जवाब देगी सरकार। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम को यूपी सरकार की पुलिस ने रोका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया, संदेश पदयात्रा रोके जाने पर प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता प्रदेश कार्यालय पर उपवास पर बैठे। कोरोना वैक्सीन पर बवाल जारी, अब हिंदू महासभा के स्वामी बोले कि इसमें गाय का खून देश में ना हो इस्तेमाल। दौसा में जांच के नाम पर लूट का खुला खेल, परिवहन विभाग का वीडियो फिर वायरल, हर ट्रक से कलेक्ट्रेट पर की जा रही वसूली। प्रदेश में अगले दो दिन में 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, 31 दिसंबर तक चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज से देश में कोने कोने तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय ड्राई रन आज से किया जाएगा, इन चारों राज्यों के 2 जिलों में 5 जगहों पर ये ड्राई रन किया जाएगा। एक्स बॉयफ्रेंड से फ्लाइट में टकराई न्यूलीवेड गौहर खान, कुशाल टंडन बोले हाय किस्मत, कुशाल ने सोशल मीडिया पर 3 वीडियो शेयर किए, वीडियोस में कुशाल गौहर साथ में बैठे नजर आ रहे हैं, वीडियो शेयर करते हुए कुशाल ने लिखा एक हसीन इत्तेफाक, शादी मुबारक गौहर खान। जैसलमेर में एकाएक बड़ी सैलानियों की आवक अभी भी जारी है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग जैसलमेर पहुंच रहे हैं, सोनार दुर्ग, किला पार्किंग, गड़ीसर सरोवर और हवेलियों के साथ ही सम और खोहड़ी के धोरों पर पर्यटकों का हुजूम देखा जा रहा है। अब नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से कैश लेन बंद हो जाएगी, ऐसे में अगर आपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो लगवा लें, क्योंकि एनएचएआई ने देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर 100% लेन को फास्टैग करने का निर्णय लिया है, इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। एनएचएआई के सीजीएम एम के जैन ने बताया कि प्रदेश में अभी तक करीब 85% वाहनों पर फास्टैग लगाया गया है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद का पोखरण में आयोजित कार्यक्रम में भव्य अभिनंदन किया गया, इस मौके पर मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए हित के लिए कार्य कर रही है। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि 2 वर्षों में चुनाव कोरोना महामारी के कारण कई गतिविधियों और कार्यक्रम बाधित हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने आमजन की समस्याओं के निस्तारण की मंशा लेकर कार्य करते हुए चुनाव के दौरान भी आधे से अधिक वादे पूरे किए। राजस्व मंडल प्रशासन ने तहसीलदार और नायाब तहसीलदारों की बड़ी तबादला सूची जारी की है, इस सूची में 36 तहसीलदारों और 69 नायाब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। जोधपुर के आसोप थाना क्षेत्र में आने वाले बासनी हरी सिंह क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाने से दंपति और 8 माह की बच्ची की मौत हो गई, घटना की सूचना मिलने के बाद आसोप थाना अधिकारी मगाराम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम ने मौके के साक्ष्य जुटाए हैं, इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, वहीं 1-3 साल के लड़के का जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोधपुर में एक साथ बड़ी संख्या में मृत मिले कौवे, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, संभवतः जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है, राजीव गांधी नगर थाने के पास की ये घटना है। पश्चिमी राजस्थान के वरिष्ठ किसान नेता और भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन भैराराम कास्टी ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया, उन्होंने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान सर्दी में डटे हुए हैं। भैराराम कास्टी ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की नहीं सुन रही, सरकार को चाहिए कि वो किसान हित में इन कानूनों को जल्द वापस ले।
जोधपुर में एसबीआई की ओर से सामाजिक सरोकार निभाते हुए आस्था वृद्धा आश्रम में रोटी बनाने की मशीन लगाई गई। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक अमिताभ चटर्जी ने इस मशीन का शुभारंभ किया। जसवंतपुरा पंचायत समिति से नवनिर्वाचित उप प्रधान भैरव सिंह के निवास स्थान पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रतन देवासी, कांग्रेस जिला महासचिव महेंद्र पाल सिंह सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। पिड़ावा क्षेत्र के गर्दनखेड़ी के पास लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के तीन लोगों ने गुरड़िया निवासी राजेश दांगी के साथ मारपीट कर दी और उसे घायल अवस्था में जंगल में छोड़ गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मशीन में बुजुर्गों के लिए एक घंटे में 600 रोटी तैयार हो सकेंगी। इस अवसर पर अमिताभ चटर्जी ने अपनी पूरी टीम के साथ वृद्धाश्रम का अवलोकन करने के बाद कुछ अन्य संसाधन भी भेज दिए। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर और पुलिस की मुठभेड़ हुई। हालांकि डकैत गिरोह नाले से होकर भाग गया, लेकिन मौके पर खून के निशान देखकर पुलिस का अनुमान है कि जरूर किसी डकैत को गोली लगी थी। डकैत केशव गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि जीएसएस का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए डकैत आया था। समायोजित शिक्षा कर्मियों ने पुरानी पेंशन का लाभ लेने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। कहा कि पुरानी पेंशन नहीं मिली तो आत्मदाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार हठधर्मी बनी है। अपनी चार मांगों को लेकर झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक अनामिका का धरना जारी है। अनामिका ने कहा कि 8 दिन हो गए हैं लेकिन मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से आरटीई राशि भुगतान को लेकर दिए गए बयान के विरोध में निजी स्कूल संचालक लामबद्ध हैं। बीकानेर में स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने अनिश्चितकालीन धरना लगाकर प्रदर्शन किया। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ की ओर से बीकानेर कलेक्ट्रेट पर धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान सलाहकार समिति और प्रसार सलाहकार समिति की बैठक हुई। गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण हुआ। वहीं अगले साल की कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया गया। झुंझुनू में स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। आरटीआई का पूरा भुगतान करने की सरकार से मांग की। स्कूलों को खोलने की भी स्कूल संचालकों ने मांग की है। पिड़ावा इलाके के मोहम्मदपुरा गांव की पहाड़ियों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग को गांव की तरफ बढ़ती देख ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नेशनल हाईवे 48 पर हो रहे किसान आंदोलन के कारण सब्जियों की गाड़ियां दिल्ली नहीं जा रही, जिसके कारण किसानों को सब्जी स्थानीय मंडी में बेचना पड़ रहा है, जहां पर फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा। बांसुर के कल्याणपुरा पंचायत के गांव भाकरवाला में खेत पर कार्य करते समय बिजली का करंट लगने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक किसान का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में रामधाम सेवा आश्रम पर शिवलिंग का महामृत्युंजय रुद्राभिषेक किया गया। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की गई। झालावाड़ में रायपुर के सामुदायिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल में करीब 1.5 साल से सोनोग्राफी सेवा बंद पड़ी है। गर्भवती महिलाओं को झालावाड़ जाना पड़ रहा है। राजस्थान शिक्षाकर्मी संघ की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार से जल्द ही मांग पूरी करने की मांग की गई। श्रीगंगानगर में स्कूल शिक्षा परिवार संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसडीएम उम्मीद सिंह रत्नू को ज्ञापन सौंपा। स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। कोटा में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने एक निजी स्कूल परिसर में चेकर्ड कीलबैक सांप को रेस्क्यू किया। ये सांप परिसर में बने हुए गार्डन में आ गया था। दौसा में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। विधायक मुरारी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। पूर्व जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड़, सभापति ममता चौधरी समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के ढिगाल में पूर्व प्रधान भागीरथ स्वामी की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने किया। इस मौके पर उन्होंने मैदान में खिलाड़ियों से परिचय लिया और खेल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।
झालावाड़ के रायपुर में इन दिनों सर्दी के मौसम में आने वाले संतरे के अच्छे भाव नहीं मिलने से किसान दुखी हैं। दीवलखेड़ा के किसान अमित पाटीदार ने बताया कि मंडियों में संतरे के भाव मात्र 5 से 6 रुपए किलो हैं, जिससे किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल पा रही। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से शहर के गांधी चौराहे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाया। जालौर में वन्य जीवों की कई सालों से सेवा करने वाले पीराराम विश्नोई शाइनिंग वर्ल्ड कॉम्पेशन अवार्ड से सम्मानित होने वाले हैं और पीराराम विश्नोई को सुप्रीम मास्टर चिंग हे इंटरनेशनल एसोसिएशन अवार्ड देकर सम्मानित करेगा। इस अवार्ड को लेकर 122 देश शामिल होते हैं। अजमेर में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यालय में सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कांग्रेस पार्टी के चरखे वाले झंडे का झंडारोहण किया। प्रतापगढ़ में स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े गैर सरकारी स्कूलों के संचालकों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी थाना पुलिस के CI राम रूप मीणा ने अनूठी पहल शुरू की है। पुलिस ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री के साथ साथ गर्म वस्त्रों का वितरण किया, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। चित्तौड़गढ़ की भदेसर पंचायत समिति सदस्यों का अभिनंदन और कार्यकर्ताओं का आभार कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पंचायत चुनाव में जीत कर आए सभी पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का सम्मान किया गया। जालौर के आहोर पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को मुंबई के मलाड से गिरफ्तार किया। वहीं बैंक धोखाधड़ी मामले में सायला निवासी उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया। नागौर के डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में विधायक चेतन डूडी ने इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। इस दौरान डूडी ने इंदिरा रसोई में भोजन कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की और कहा कि रसोई से मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को कम पैसे में अच्छा खाना उपलब्ध हो सकेगा। नागौर के डीडवाना में पूर्व मंत्री यूनुस खान ने दौरा किया। इस दौरान यूनुस खान ने स्थानीय राजकीय खेल स्टेडियम में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नागौर के दियाबड़ी में स्थानीय लोग बदहाल सड़क मार्ग को सुधारने और उपखंड मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। लोग इसके लिए लगातार सांसद और केंद्रीय मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं। जोधपुर के प्रताप नगर में एक कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन केंद्र की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर के महारानी फार्म में महारे आंगन पधारो श्याम परिवार का 7वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेविका कीर्तिका शर्मा भी उपस्थित रहीं। इस दौरान सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। सवाईमाधोपुर के बोली में पहाड़ी पर अवैध लीजों को लेकर SDM बद्री नारायण मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर सीमांकन और पिलर नहीं पाए गए, जिस पर SDM ने खनन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जैसलमेर के रामगढ़ में तनोट सड़क मार्ग पर कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। धौलपुर में SP केसर सिंह शेखावत की पहल से पुलिस लाइन की दशा बदल गई है। SP पुलिस लाइन को आदर्श पुलिस लाइन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस कारण पुलिस लाइन बेहद सुंदर और मनमोहक हो गई है। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। बता दें, शातिर ठग महंगी गाड़ियों को सस्ती कीमत पर देने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था, जिसके बाद पुलिस ने बीकानेर जिला कारागार के प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के किशनगढ़ में एक युवती ने कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। पाली के देसूरी में श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी की वजह से प्रतिभा समारोह स्थगित करने का निर्णय लिया। श्रीगंगानगर के गणेशगढ़ गांव में खनिज विभाग ने अवैध बजरी परिवहन पर कर रहे ट्रक को जब्त किया है, साथ ही 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पालना के बीजापुर गांव में विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों 51 किलो की मालाओं से लद गए। वहीं कोरोना में बेहतर काम करने वाले 3 समाज सेवकों को सम्मानित किया गया।
मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत के पटवारी के तबादले को लेकर आईटी केंद्र पर प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने पटवारी दिनेश मीणा को फिर से उदयपुरा पंचायत लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने नवनियुक्त पटवारी पर मुख्यालय पर नहीं हुए का आरोप लगाया। झुंझुनू जिले में सालों से परंपरा है कि जीत हुए जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण की ओर से रुपयों की थैली और माला भेंट की जाती है, लेकिन चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए पैसों की थैली को ग्रामीणों को वापस लौटा दिया और कहा कि आगे से इस तरह की परंपरा का निर्वाह नहीं करें। जालौर के सांचौर में चोरी की वारदात को लेकर आक्रोश है। व्यापारियों ने बाजार को बंद कर विरोध किया है। इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। झुंझुनू के शीशिया गांव स्थित मुक्ति धाम में भव्य शिव प्रतिमा का सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने अनावरण किया। इस मौके पर उनके साथ जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी भी मौजूद रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक अशोक गुप्ता फालना और बाली दौरे पर रहे। अशोक गुप्ता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सोनी भी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के वैर में किला रोड स्थित एक एटीएम को चोरों ने गैस कटर से काट दिया और एटीएम से 2,99,500 रुपए निकालकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बांसवाड़े में अभी भी डिपो बनाने की तैयारी जोरों शोरों से हो गई है। बांसवाड़ा शहर के राजकीय अस्पताल में पूरी तरह सुधार करके इसे कोविड-19 वैक्सीन डिपो बनाया जाएगा। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की गई और जन जन तक राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के निर्देश दिए गए। अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर के धन संग्रह हेतु जैसलमेर जिला स्तर पर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समस्त सनातनी समाज से आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया गया। गंगापुर नगर परिषद की नवनिर्वाचित सभापति शिवरतन अग्रवाल बोली दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश गोयल और मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में अग्रवाल का भव्य स्वागत हुआ। झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सभी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अतिथियों ने माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। लूणकरणसर थाना इलाके के चकदो 880 आरडी के एक व्यक्ति ने नशे की हालत में खेत में बनी अपनी ही ढाणी में आग लगा दी। ढाणी में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद शराबी फरार हो गया। बालोतरा में प्रशासन ने अवैध खनन पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। बालोतरा के सबसे बड़े रेत माफिया के अड्डे पर दबिश दी और मौके पर अवैध खनन करती हुई एक जेसीबी मशीन सहित 4 डंपर जब्त किए। भरतपुर की नदबई विधानसभा से कांग्रेस के विधायक जोगिंदर अवाना ने हाई मास्ट लाइट और सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि नदबई में विकास की कमी नहीं आने देंगे। नागौर के खीवसर में रक्त कोष फाउंडेशन की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान देने वाले युवाओं का तहसीलदार रूघाराम सेन और भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। डूंगरपुर जिला में सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जागरूकता रथ ग्राम पंचायत कारावाड़ा के विभिन्न गांवों में पहुंचा और ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जानकारी दी। जिला कलेक्टर से सिकंदरा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल प्रभारी से निःशुल्क दवा और डिलीवरी सहित अन्य जानकारी ली। इस दौरान दौसा सीएमएचओ डॉक्टर बीके बजाज भी मौके पर मौजूद रहे। दौसा के घुमाना माधो सागर बांध के पास पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। बांध और पहाड़ की तहलेटी में पग मार्क दिखाई देने पर लोग पैंथर होने का कयास लगा रहे हैं। वहीं इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है। भिनाई में जय हिंद क्रिकेट क्लब सिल्वर जुबली 2020 का 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन लीग मैच हुए। प्रतियोगिता का समापन 3 जनवरी को होगा। प्रतियोगिता में कुल 18 टीमें भाग ले रही हैं। अजमेर के पीसांगन में केशोलाव तालाब में बारिश के पानी को लेकर सर्वे कार्य शुरू हो गया है। सर्वे टीम ने लेवल को देखकर तालाब में पानी की आवक बढ़ाने पर कार्य शुरू कर दिया है।
किशनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य पवन कुमावत और उनके स्टाफ ने 100 साल पुरानी जर्जर स्कूल की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। यहां स्मार्ट क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम तक बनाया गया है। आज ये स्कूल प्राइवेट जैसा नजर आता है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग 79 के पास शराब के ठेके पर काम करने वाले दो युवकों पर अज्ञात लुटेरों ने हमला कर दिया। इस दौरान चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया, उसका महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार जारी है। भीलवाड़ा के नेशनल हाईवे 148 डी पर पिकअप और कार में भिड़ंत हो गई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मोली के सवासा गांव नदी इलाके में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर एसएचओ नरेश मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए बोली की मोचरी में रखवाया। बूंदी में अखेड़ माता जी के मंदिर के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस महिला के शिनाख्त की कोशिश कर रही है, वहीं प्रथम दृष्टया हत्या का मामला माना जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी के गोटन में पंचायती राज चुनाव के विजयी हुए प्रत्याशियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पाली के सुमेरपुर के बाखली गांव में एक साथ 5 मकानों के ताले टूटने से लोगों में दहशत का माहौल है जिसके चलते लोगों ने खुद ही गश्त लगाना शुरू कर दिया। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में निःशुल्क किताबों का वितरण करने की तैयारी शुरू कर दी है, इसके लिए राज्य के सभी जिलों में डिमांड मांगी गई है। जालौर के निम्बावास गांव में आरडी फाउंडेशन मोबाइल हेल्थ टीम ने निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निशुल्क दवाई वितरित की गई। मोली के कोडवाई गांव में सरपंच प्रेमा देवी मीणा की मौजूदगी में सड़क पर नाली निर्माण और कचरा पात्र के लिए प्लान तैयार किया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।